हेलो फूडीज़, आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी हम लाने वाले हैं जिसको हम लोग टोस्ट या फिर रस्क जिसको हम नॉर्मली चाय के साथ लेते हैं उसके साथ बनाने वाले हैं। जी हाँ, इसी टोस्ट के साथ हम बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 अंडों को ले लिया है। आप आपके स्नैक्स के अकॉर्डिंगली, आपके टोस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अंडों को ले सकते हैं। तो अंडों को इस तरह से ब्रेक करके डालने के बाद अच्छे से फेंट लीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और बस हाफ टी स्पून जितने रेड चिली पाउडर को भी डाल दीजिए। आप चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी इसकी जगह पर ले सकते हैं। और उसके बाद 1 टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए प्याज और 1 टेबलस्पून जितने फाइनली चॉप किए हुए हरे धनिए को डाल लिया है और उसके बाद 1 हरी मिर्च को भी मैंने चॉप करके डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा टमाटर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर टमाटर को स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ पर इस तरह के रस्क मैं ले रही हूँ जिसको अब हमें इस बनाए हुए बैटर में डिप करते हुए फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीप फ्राई के लिए मैंने थोड़े से तेल को गर्म कर लिया था। इसमें मैं अब इस रस्क को इस बैटर में डिप करते हुए डाल रही हूँ और इसका कलर दोनों तरफ अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें इसको फ्राई करना पड़ेगा। एक छोटा सा सजेशन मैं आपको दे देती हूँ, आप ज़्यादा ऑयली आइटम्स पसंद नहीं करते तो इसको डीप फ्राई मत कीजिएगा। बेहतर होगा कि आप इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। बस नॉनस्टिक पैन में थोड़े से तेल को डालकर इसको दोनों साइड फ्लिप करते हुए इसका कलर गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लीजिएगा ताकि इसमें एक्सेस ऑयल ना हो। इस तरह से अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादातर ऑयली बन जाएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ अच्छा गोल्डन कलर आने के बाद इसको साइड में निकाल लीजिए। तो देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया से स्नैक्स बनके तैयार है। आप भी ज़रूर इस झटपट से बनने वाले बस 5 मिनट में आप इन स्नैक्स को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी बेहद पसंद से खाएंगे। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करके आपको इसका टेस्ट कैसे लगा, ज़रूर आपका फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग और भी नए रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए जिससे मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।